भरे बाजार में उनके साथ रेप हो रहा है, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, क्या उनकी माँ बहन नहीं है? भरी सभा में नग्न करके उनको घुमाया गया। ईसाई भाईचारे अते होरना वर्गां वल्लों अज पंजाब बंद दा सद्दा दित्ता गया सी, जिसनों कई थावां दे उत्ते भरवां हुंगारा मिलदा दिखाई दे रहा है। तस्वीरां जलंधर दियां ने जिथे लोग सड़कां ते उतर आए, गलियां बाजार बंद दिखाई दित्ते। और मणिपुर के जैसे जो केस हुआ उसी बेस पे आज हमारा पूरा पंजाब बंद है, तो हम यही चाहते हैं कि जैसे वो गर्ल्स के साथ हुआ कल हमारे साथ ऐसा ना हो। आज की बेटी सुरक्षित कहीं पर भी नहीं है। घर पे तो चलो माँ बाप देख लेते हैं, भाई बहन देख लेते हैं, पर बाहर निकलने के साथ उनके साथ ये क्या हो रहा है, कोई देख पा रहा है? भरे बाजार में उनके साथ रेप हो रहा है, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, क्या उनकी माँ बहन नहीं है? क्या उनके साथ ये कल को हो, उनके साथ ये अगर यही व्यतीत हो, वही यही चरित्र उनके साथ पेश हो तो कैसा उनको लगेगा? भरी सभा में नग्न करके उनको घुमाया गया, तो आप खुद सोचो अगर यही उनके या किसी जाति धर्म के लिए, पहली बात तो बेटी बेटी का भेदभाव तो किया ही नहीं जाता है, सबके लिए सम्मान एक बराबर है, पर यही हम तो बेटी है ना, बेटी हम ये नहीं कह रहे कि वो मुस्लिम धर्म से है, ऐसी है, जर्नल है, कुछ नहीं है, बेटी तो बेटी है, चाहे वो जो भी हो, जिसकी भी बेटी है ना, बेटी तो हाँ, किसी धर्म जाति का हम वो विरोध नहीं कर रहे। हम बोले कि जो मणिपुर में हुआ है वो घटना को, जो दोषी है उनको सजा दी जाए और साथ में उस लड़के को इंसाफ दिया जाए, इसलिए हमने। लेकिन आपके जो समुदाय या और समुदायों की तरफ से जो मांग पत्र दिया गया है, कार्रवाई करने की बात की गई है, तो सरकार से जो चर्चा तो कर रही है, सरकारी तो रही है, पर लड़की को इंसाफ चाहिए। सरकार की चर्चा का तो आज तक तो पता चला ही नहीं है, चर्चा तो यही चाहिए कि हमें और चर्चा इसमें चाहिए कि अगर उनको फांसी मिल जाएगी सारी चर्चा खत्म हो जाएगी, हम भी बंद करेंगे। तो ये जो प्रोटेस्ट है ये कितने बजे तक किया जाएगा आपके तरफ? सर ये पूरा दिन भी चल सकता है, पूरा दिन चल सकता है, हम एक जस्टिस वांट चाहते हैं बस। हमें पता है सारे इस दुनिया की सब तो वधिया ते पीसफुल कौम दे नाल संबंध रखते हैं, असि क्रिश्चियन हाँ और साडा सारा क्रिश्चन भाईचारा ते होर भी जथेबंदियां ते बैठियां होईयां, तो ये जिहड़ी बंद का असर जिहड़ा तुसीं कह रहे हो अजे तक दिखाई नहीं दिता, ये साडे अपने कमेटी का निजी फैसला सीगा कि असीं 10 बजे तक सारयां नूं छूट दे देनी है और उस तो बाद जिहड़ा बंद आ उह पूरी तरह दे नाल मुकम्मल कीता। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ? ਹੋਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਕਸੂਦਾਂ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਚੌਂਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਚੌਂਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਆਦਮਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਔਰ ਖਾਂਬਰਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜਪੁਰ ਆ, ਔਰ 10 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ। ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਆਪਣੀ? ਮੇਨ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਿਆਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਮਸੀਹੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਸੀਹੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ SC ST OBC ਔਰ ਮਨਿਓਰਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਵਰਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਹੌਲ ਪੀਸਫੁੱਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਈਵੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਹਾਈਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਭੱਖ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਹੋਣ ਹੱਲ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਡਿਬੇਟ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਡਿਬੇਟ। D5
निडर हां निरपक्ष रहांगे आजाद हां सच कहांगे गल करांगे सियासी हवा दी होणगे हुकमरानां नूं सिद्धे सवाल सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सबर विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल कैनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल उभरांगे पंजाब दी आवाज बन होणगे हर पहलू ते रोज चर्चे खोलांगे अंदरूनी राज बनांगे बुलंद आवाज खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे हर पिंड हर शहर जावांगे मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार की करदी है साडी सरकार की है तुहाडी मुश्किल दा हल D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर D5 चैनल पंजाबी अपनी धरती अपने लोग सत श्री अकाल जी मैं हाँ कुलराज रंधावा ते तुसी वेख रहे हो D5 चैनल पंजाबी जिहड़ा लॉन्च हो चुका है हुण कैनेडा विच।